न्यूज नेशन संवाददाता रवीश इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं और सिडनी टेस्ट के तीसरे दिन के खेल के बाद न्यूज नेशन संवाददाता सिडनी के उस रेस्टोरेंट में पहुंचे जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर खाना खाते हैं और ब्रैडमैन, सचिन और धोनी जैसे क्रिकेटर्स की यादगार चीजें यहां पर सजोई हुई है। ऑस्ट्रेलिया का शहर सिडनी फेमस है क्रिकेट के लिए। यहाँ पे लोग क्रिकेट के बारे में बात करना पसंद करते हैं, क्रिकेट को देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और हम सिडनी के एक ऐसे इंडियन रेस्टोरेंट में हैं जो कि क्रिकेट के रंग में रंगा हुआ है। और इस रेस्टोरेंट को मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से यहाँ खिलाड़ियों की निशानियाँ यहाँ नज़र आते हैं। सर डोनाल्ड ब्रैडमैन, ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े क्रिकेटर और कह सकते हैं कि क्रिकेट वर्ल्ड के भी सबसे बड़े क्रिकेटर और ऑस्ट्रेलिया के सबसे फेमस इंसान जिसे हम कह सकते हैं। और साथ में आप देख सकते हैं कि जहां पे पोर्ट्रेट लगा है डोनाल्ड ब्रैडमैन का, उसके नीचे काफी सारी बुक्स भी हैं। और अगर आप देखें सचिन तेंदुलकर इन विजिटिंग, यानी कि तेंदुलकर पर भी बुक इस रेस्टोरेंट में मिलती है। तो निशानियां हैं तमाम खिलाड़ियों की और बुक्स भी रखी गई हैं, पूरा रंग देने की कोशिश की गई है। और इस तरफ अगर आप जाएंगे इस कॉरिडोर में तो वहां पर खिलाड़ियों के पोस्टर्स भी लगे हैं और जो भी खिलाड़ी इस रेस्टोरेंट में आया है यहाँ पे अपने सिग्नेचर करके गया है तो उनकी निशानियाँ यहाँ पर नज़र आती हैं, जो कि आप देख सकते हैं। स्टीव वॉ की पेंटिंग भी है, तो माही ने ऑटोग्राफ किया हुआ बैट भी यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी का ऑटोग्राफ किया हुआ बैट भी यहाँ पे मौजूद है और नीचे महेंद्र सिंह धोनी भी नज़र आएंगे। साथ ही साथ कुछ अखबार की कटिंग्स भी यहाँ पर नज़र आएगी, जिसमें स्टीव वॉ यहाँ पे पहुँचे थे तो उसकी कटिंग भी यहाँ पर है। तो डिफरेंट खिलाड़ियों की जो निशानियाँ हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हो, इंडिया के प्लेयर हो, वो इस रेस्टोरेंट में आए, उन्होंने विजिट किया है यहाँ पर, तो उन्होंने अपनी जो निशानियाँ हैं, अपनी जो टी शर्ट्स हैं, वो सब दी हैं। हमारे साथ इसके ओनर भी हैं रसिन, उनसे हम पूछते हैं। रसिन, कुछ आप बताना चाहेंगे, यहाँ पे डिफरेंट टी शर्ट्स हैं और बहुत सारी निशानियाँ नज़र आ रही हैं प्लेयर्स की, तो ये किस किस ने दी हैं और इनके पीछे क्या स्टोरी है? जी, अब ये तो सबसे मेरा खास है जो मेरा फिलिप ह्यूज का टी शर्ट जो शर्ट है उनके टेस्ट शर्ट। It was a wonderful honor to be given that here in the restaurant. Listen, यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी का भी हमने फोटो देखा है और बैट भी है जिसपे उन्होंने ऑटोग्राफ किया, तो वो कब आए थे यहाँ? जी, ये मेरे सिटी रेस्टोरेंट में था जब इंडियन टीम आए थे, MS आया था डिनर के लिए with the team and they're all having a good time and he signed a bat for me in the restaurant to present it to me and I was very honored and grateful. देखो, जो क्रिकेट है और करी है वो हमेशा ऑस्ट्रेलिया एक बिलोंग्स करता है, क्रिकेट और करी। आफ्टर द गुड गेम यू हैव टू हैव अ गुड करी बिकॉज यू एक्चुअली चैंटिंग डूइंग मेनी थिंग्स इन द ग्राउंड एंड यू वांट टू हैव अ गुड मील टू गो एंड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट डे। तो मुझे लगता है क्रिकेट यहाँ खाने के बाद बड़ा अच्छा है। यहाँ जो बटर चिकन है, फेमस बटर चिकन है, मेरे को पूरा दिल्ली का जो एक मैं दिल्ली से हूँ तो दिल्ली का पूरा टेस्ट आता है, एक स्मोकी फ्लेवर। शायद एम्बियंस खास बनाती है कि पूरा क्रिकेटिंग लुक इस रेस्टोरेंट को दिया गया है और जो क्रिकेट लवर्स हैं शायद उनके लिए इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती। क्रिकेट लवर्स के लिए सबसे अच्छी जगह है, स्पेशली फॉर डिनर। और अगर आप आ रहे हो SCG, सो आई थिंक ये बड़ा क्लोज है सिटी के पास, ग्राउंड के बड़ा क्लोज है और जो वेस्ट में पीपल रहते हैं उनके लिए बड़ा ही क्लोज। I really enjoy eating here. It's very authentic Indian food and really tasty. बहुत अच्छा लगता है। देखा आपने, लोगों का मानना है कि फूड तो यहाँ का अच्छा है ही, लेकिन जो एम्बियंस मिलती है क्रिकेट की वो शायद सिडनी में किसी और जगह नहीं मिलती, इसलिए लोग आते हैं यहाँ पर मैच के बाद, मैच से पहले यहाँ पे खाना खाने, तो क्रिकेट का फील भी उनको पूरा मिलता है और फूड को भी वो एंजॉय करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ रवीश बिष्ट, न्यूज़ नेशन, सिडनी।